दोस्तों, सलार पर विजय सेतुपति का बहुत बड़ा बयान आ रहा है। विजय सेतुपति कहते हैं सलार सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और इसमें रोकी भाई नहीं होगे, क्योंकि सलार एक अलग यूनिवर्स है। और जैसे कि प्रशांत नील ने मीडिया से बात करते हुए बोला है कि सलार केजीएफ से भी ज्यादा इमोशनल और एक्शन मसाला है, तो इसका मतलब सीधा है कि इस बार डंकी और सलार की जंग में सलार जीतेगा और बॉलीवुड को झटका देगा साउथ, और एक नया रिकॉर्ड साउथ की मूवी क्रिएट करेगी। और वहीं कहा जा रहा है कि सलार के एक्शन सीक्वेंस काफी खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि सलार को ए सर्टिफिकेट मिला है। इसका मतलब सलार का ट्रेलर काफी खून खराबे वाला है और मूवी में भी काफी ज्यादा वैलेंस देखने को मिलने वाला है। और इस बार सलार से प्रभास अन्ना भी अपना कमबैक करने आ रहे हैं। जो रिकॉर्ड सलार मूवी बनाएगी वो आज से पहले किसी भी हीरो ने नहीं बनाया होगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बाहुबली एक बार फिर से आ रहे हैं और इस बार उसका नाम सलार है। आधी पुरुष के बाद प्रभास अन्ना की सलार काफी बड़ी मूवी है और जब एक्शन की बात आती है तब हर किसी को केजीएफ 2 याद आती है। इस बार सलार भी काफी बड़ी सुपर हिट होने वाली है, क्योंकि इस बार स्टोरी के मामले में सलार काफी बढ़िया है और इसका चैप्टर 1 काफी कमाल का होगा। वहीं इसमें जो एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए हैं वो भी काफी खतरनाक है। 300 करोड़ की बजट में सलार को बनाया जाने वाला है और इसकी एडवांस बुकिंग ने अभी से ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब शाहरुख खान के चाहने वाले सलार को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि प्रशांत नील का जब जादू जलता है तो बड़े बड़े हीरोज फ्लॉप हो जाते हैं। जब शाहरुख खान की जीरो आई थी उस टाइम केजीएफ 1 ने शाहरुख खान की बैंड बजाई थी और मुझे लगता है कि इस बार भी शाहरुख खान की बैंड डायनोसर बजाने वाला है। और जो रिकॉर्ड सलार एक्शन के मामले में बनाएगी वो डंकी एक साधारण मूवी टिक नहीं पाएगी। प्रभास बाहुबली है और बाहुबली की तलवार के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, विजय सेतुपति की बातों से आप कितना एग्री हो कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप सलार की ऐसी अपडेट और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सलार की सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।